What's up guys, once again welcome back to our YouTube channel Dance Diwani Season 3 को चाहने वालों का मेरे YouTube channel पे बहुत बहुत स्वागत है guys। और आज मैं explain करने वाला हूँ story wise review 4th अप्रैल के एपिसोड यानी कि 12th एपिसोड का एक्सप्लेन स्टोरी वाइज रिव्यूज़। और जैसा कि आपने सबने देखा, हमारे स्पेशल गेस्ट जो इस बार आए हैं उदित नारायण जी और अनु मलिक जी आए हैं, और साथ के साथ लाफ्टर क्वीन भारती सिंह अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के साथ आई हैं। और इस बार शो में उन्होंने अपने बेहतरीन कॉमेडी पंच से जो है चार चांद लगा दिए और राघव का साथ दिया बखूबी। और धर्मेश ने भी उनकी बातों को, उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो हंसने पे मजबूर कर दिया ठहाके लगाने पे उदित नारायण को भारती सिंह की अननोन स्टॉप कॉमेडी ने। साथ के साथ माधुरी दीक्षित को भी बहुत ज़्यादा खुश जो है किया गया। जो साथ के साथ अगर म्यूजिकल सेंसेशनल उदित नारायण और अनु मलिक शो में आए हैं तो डेफिनेटली म्यूजिकली भी शो जो है सुपर डुपर हिट जो आज का एपिसोड रहने वाला है गाइस। और दोनों ही बॉलीवुड सेंसेशनल ने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने भी हमें सुनने को दिए गाइस। और कल आपने देखा बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है अमन राज ने की, चलती है क्या 9 से 12 सॉन्ग पे के ऊपर। तो दूसरी तरफ पल्लवी ने भी साजे दिल छेड़ो ना के ऊपर कत्थक फ्यूजन करके दिखाया गाइस। और जो सोमांश के डांस के साथ साथ जो है उसकी नॉन स्टॉप शायरी जो है कंटिन्यूस चलती रही गाइस, और बहुत ही यूनिक डांस भी सोमांश ने करके दिखाया। तो बात करें साहिल अंजलि की परफॉर्मेंस की, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इमोशनल थी गाइस। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, डांस दीवानी सीजन 3 में कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशन है, और नॉन स्टॉप जो अनलिमिटेड डांस हमें देखने को मिल रहा है गाइस। और जो योगेश है उनकी परफॉर्मेंस भी कल बहुत ही बेहतरीन रही थी गाइस। और देखना ये है कि आज कौन कौन सी परफॉर्मेंस जो है होने वाली है दोस्ती स्पेशल में गाइस, और किस किस परफॉर्मेंस को मिलने वाली है माधुरी दीक्षित की स्पेशल सीटी गाइस। और राघव जो है शो का स्टार्टअप करते हैं, ये 12th एपिसोड है और 4th अप्रैल को टेलीकास्ट हुआ था कलर्स टीवी पे गाइस। और एक्सप्लेन स्टोरी वाइज रिव्यू उसका मैं कर रहा हूँ गाइस। और राघव बुलाता है पहले आर्टिस्ट को, और पहली जो कंटेस्टेड है उनका नाम है प्रेशा, उम्र है 6 साल, अहमदाबाद की ये रहने वाली है। और अपनी परफॉर्मेंस जब ये स्टार्ट करती हैं तो बहुत ही क्यूट लगती हैं, बहुत ही छोटी सी हैं ये और अहमदाबाद की ये रहने वाली हैं। और इन्होंने जो इस बार डांस करके दिखाया उसने बहुत ही अप्रिशिएट किया धर्मेश ने उसकी परफॉर्मेंस को गाइस। और बात करें सॉन्ग की, तो ताल से ताल मिला सॉन्ग के ऊपर जो है प्रेशा ने इस बार परफॉर्मेंस दी थी अपनी, और ये इसमें थोड़ा सा फ्यूज़न भी था, कथक का मिक्स किया हुआ, और ताल मूवी से ये गाना लिया गया। तो प्रेशा ने जिस तरह से जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं उनको यूज़ किया, किस तरह से तबला और फ्लूट्स के साथ जो है उसने परफॉर्मेंस दी, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही यूनिक जो थी। और एक्सप्रेशंस प्रेशा के इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि वो सबको बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और प्रेशा डेफिनेटली डांस दीवानी सीजन 3 की रेस में बहुत आगे तक जाने वाली है। और उदित नारायण ने भी प्रेशा की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइस, और बहुत अच्छे कमेंट जो है प्रेशा की परफॉर्मेंस को इस बार जो दोस्ती स्पेशल में मिले। जब पूछा जाता है प्रेशा को कि आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है, तब वो बोलती है कि मेरी माँ ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है गाइस। और माधुरी दीक्षित ने भी बहुत ही अच्छे कमेंट जो है प्रेशा की परफॉर्मेंस को दिए। तो दूसरी तरफ अनु मलिक भी बहुत ज़्यादा हैरान हुए प्रेशा की परफॉर्मेंस को देख के, तो धर्मेश भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बार प्रेशा की पावर पैक जो परफॉर्मेंस को देख के गाइस। और प्रेशा डेफिनेटली आगे तक जाने वाली है, उसका सफ़र जो है डांस दीवाने में बहुत आगे तक होने वाला है गाइस। और प्रेशा की परफॉर्मेंसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं ऑडिशन राउंड से लेकर, मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट जो है प्रेशा रही हैं, और प्रेशा आगे भी बहुत अच्छा करने वाली हैं गाइस। और तुषार कालिया ने भी प्रेशा की परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे कमेंट दिए गाइस, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया प्रेशा की परफॉर्मेंस को हर्ष लिम्बाचिया ने गाइस। और प्रेशा जो है उसके बाद प्रेशा से जब ये बात पूछी जाती है कि आपकी फेवरेट जो दोस्त कौन है, तो वो बोलती है कि मेरी मम्मा ही मेरी फेवरेट दोस्त है। और उसको अपनी फेवरेट दोस्त यानी कि मम्मा के साथ जो है डांस स्टेज पे करने को बोला जाता है, और सेम ट्रैक पे ताल से ताल मिला सॉन्ग के ऊपर दोनों माँ बेटी जो है डांस करती हैं और क्लैपिंग जो है अजीब करती हैं धर्मेश की तरफ से, और माधुरी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दोनों माँ बेटी को मिलती है। और ये प्रेशा की माँ का सपना था
साथ जो कि आज पूरा हो रहा है। अनु मलिक ने भी प्रिशा की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और राघव स्टेज पर आते हैं और राघव जब जब स्टेज पर आते हैं कुछ ऐसा लगता है कुछ खास होने वाला है, लेकिन इस बार वो नए जो हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं उनको स्टेज पर बुलाने के लिए उतारू हैं। और गाइज अगले कंटेस्टेंट हैं पपाया अंतरा गाइज, और लास्ट वीक होली स्पेशल में हमने पपाया अंतरा को बहुत ज़्यादा मिस किया था, लेकिन इस बार पपाया अंतरा अपनी शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतने वाले हैं गाइज। लास्ट होली स्पेशल में भी उन्होंने एक स्पेशल एक्ट किया था जो कि एरोप्लेन के ऊपर था गाइज, और ऐसा हमने इंडियन टीवी रियलिटी शो एनी डांस रियलिटी शो में ऐसी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी थी, बहुत यूनिक थी। और आज की परफॉर्मेंस भी पपाया अंतरा की बहुत यूनिक थी गाइज, और कोई डर रहा था उनके फ्लिप से, उनके जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं गाइज। और इस बार उन्होंने सूरज हुआ मध्यम सॉन्ग के ऊपर जो है परफॉर्मेंस दी गाइज, सॉन्ग था कभी खुशी कभी गम मूवी में से लिया गया। और गाइज इस बार भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, रियल डियर एंड डेविल जो है डांस दीवाने के वो पपाया अंतरा, किस तरह अंतरा ने आँखों पर ब्लैक पट्टी बांध के जो है डांस किया और किस तरह के मूव उन्होंने किए, ये काबिल तारीफ है गाइज। अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो आप बूट ऐप पे उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइज, और डेफिनेटली आपको ये देखना चाहिए। 4 अप्रैल वाला एपिसोड पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस जरूर आप देखना, बहुत ही अमेजिंग और ख़तरनाक थी, इतनी अमेजिंग कि हमारे स्टैंडिंग ओवेशन जो है उन्हें स्पेशल गेस्ट की तरफ से मिलती है, तो बहुत अच्छे कमेंट जो हैं उनको हर एक कोरियोग्राफर की तरफ से, हर एक जज की तरफ से मिलते हैं गाइस। तो पपाया अंतरा ये शेयर करते हैं बात कि हमें भी डर लगता है, जब उनसे पूछा जाता है कि आपको डर नहीं लगता तो वो बोलते हैं हमें भी डर लगता है, लेकिन जो ऑडियंस के लिए कुछ और अच्छा करने की हमारी इच्छा है वही हमें कुछ ऐसा करने पे मजबूर कर देती है, और हम ऐसा ही आगे भी करते रहेंगे। और भारती भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करती है और अप्रिशिएट भी करती है गाइस, और साथ के साथ तुषार कालिया ने क्लैपिंग करके जो उनकी परफॉर्मेंस को सराहा और अप्रिशिएट किया, और बहुत अच्छे कमेंट जो हैं अनु मलिक की तरफ से भी पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को मिले गाइस। और अनु मलिक की जो शायरी है नॉन स्टॉप वो चलती रहती है, और आग लगा दी ये डायलॉग अनु मलिक का बहुत फेमस है। दूसरी बात करें उदित नारायण की, तो उदित नारायण ने भी पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहा, तुषार कालिया का कमेंट कि अब तक की जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी थी ये वाली थी, कि मुझे ये परफॉर्मेंस आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैं टॉप 6 में आप लोगों को देखता हूँ, और इतने अच्छे कमेंट पाके पपाया अंतरा जो हैं बहुत ही खुश होते हैं। और धर्मेश के कमेंट भी पपाया अंतरा को लेके बहुत अच्छे थे। लास्ट वीक जब पपाया अंतरा की परफॉर्मेंस नहीं हुई थी तो हमें ऐसा लगा था मे बी वो बीमार होंगे या वो कहीं चले गए हों, मतलब कि कुछ हुआ होगा, लेकिन गाइस ऐसा कि इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस तैयार करने के लिए डेफिनेटली 1-2 हफ्ते जरूरी हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी, इतने फ्लिप्स हैं, इतने मूव्स हैं, डिफ़िकल्ट मूव हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है गाइस। और डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस इस वीक भी बहुत अच्छी थी, और माधुरी दीक्षित ने भी उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत अच्छे कमेंट दिए कि मैं हर बार डर रही थी गाइस, और बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस पपाया अंतरा की। धर्मेश राघव जो है अगले कंटेस्टेंट को जो है बुलाते हैं, और अगली कंटेस्टेंट हैं जमुना, 44 ईयर्स ओल्ड इनकी एज है गाइस, और मुंबई की ये रहने वाली हैं, और माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन है, और इस बार भी माधुरी दीक्षित के ही एक सॉन्ग पे जो है ये डांस करने वाली हैं गाइस। और सॉन्ग है चोली के पीछे क्या है, खलनायक मूवी का ये सॉन्ग है, और प्योर बॉलीवुड जो है यमुना जो करती हैं गाइस। और माधुरी दीक्षित ने जिस तरह के मूव इस सॉन्ग पे दिए थे, जमुना भी डेफिनेटली कुछ ऐसा ही करने वाली है, और जमुना के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, और डांस भी जमुना का उतना ही यूनिक है कि हर किसी को अपना दीवाना जो है यमुना की परफॉर्मेंस, यमुना का डांस, यमुना के एक्सप्रेशन जो है बना लेते हैं गाइस। डेफिनेटली जमुना बहुत ही अच्छी परफॉर्मर है डांस दीवाने सीजन 3 में, और टॉप 16 की रेस से ये आगे निकलने वाली है गाइस, ऐसा मुझे लग रहा है गाइस। आपको क्या लग रहा है, कौन सा आर्टिस्ट है जो टॉप 16 की रेस से छूट जाएगा, और कौन सा आर्टिस्ट है जो टॉप 16 की रेस में आगे जाने वाला है गाइस? और जमुना डेफिनेटली आगे जाने वाली है, और जमुना बैंड डिजाइनर इस बार बनी है, और माधुरी दीक्षित के गाने चोली के पीछे क्या है के ऊपर बेहतरीन डांस मूव करती हुई जो है हमें नजर आई, और
बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस जो है यमुना ने इस बार दी और बहुत अच्छे मूव्स यमुना के हैं गाइस। और यमुना बहुत ही अच्छी डांसर है और जैसा कि यमुना ने बताया कि अभी वो घूंघट प्रथा में रहते हैं लेकिन हमें अलाउ नहीं है बाहर निकलना, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो आज यमुना जो है यहाँ डांस दीवाने सीजन 3 में हमें दिख रही है और माधुरी दीक्षित उनकी परफॉर्मेंस को देख के बहुत ज़्यादा जो है खुश होते हैं गाइस। तो यमुना भी उनकी इस खुशी से और ज़्यादा खुश हो जाते हैं गाइस। और बात करें तुषार कालिया की, तो तुषार कालिया ने बहुत ही बेहतरीन कमेंट जो है यमुना की परफॉर्मेंस को लेके दिए और तुषार कालिया को यमुना की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी लगी है इस बार। और डेफिनेटली यमुना बहुत ही अच्छा डांस जो करती हैं और माधुरी दीक्षित के कमेंट जो थे वो भी यमुना को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। माधुरी दीक्षित ने उसकी एनर्जी को लेके और उसके एक्सप्रेशन को लेके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट दिए गाइस। और उसके बाद जो है माधुरी दीक्षित और उदित नारायण स्टेज पे आते हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो होती है, उदित नारायण जी गाना गा रहे हैं और माधुरी दीक्षित दे रहे हैं अपने बेहतरीन एक्सप्रेशन जिसे एंजॉय करते हैं धर्मेश बहुत ही अच्छी तरह से। तो दूसरी तरफ जो तुषार काली हैं उनकी तरफ से वाह वाह जो है इनकी परफॉर्मेंस पर निकलती है और माधुरी दीक्षित उदित नारायण के साथ स्टेज पर डांस करती हुई नज़र आई। तो जब धर्मेश ने जो है कमेंट्स दिए बहुत ही अच्छे दिए कि ऐसी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी, उसके बाद अनु मलिक जो है शायरी बोलते हैं उनकी दोनों की परफॉर्मेंस पे गाइस, उसके बाद राघव जो है स्टेज पे आ जाते हैं और अपनी पारी खेलने के लिए शुरू हो जाते हैं और अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं गाइस। और अगले परफॉर्मर जो हैं वो हैं कासिमपुर के सुल्तान यानी कि सोहेल, उम्र है इनकी 6 साल और कासिमपुर के ये रहने वाले हैं गाइस। और हर बार इंट्रो देते हैं तो इस बार भी ये दोस्ती स्पेशल पे भी इंट्रो देने वाले हैं और इस बार वो अपने इंट्रो के साथ साथ अपने दोस्त अमन की भी जो है इंट्रो देते हैं और अमन के साथ उनकी जो दूसरी दोस्त हैं वो हैं जमुना गाइस। और उसके बाद वो अपनी परफॉर्मेंस जो है स्टार्ट करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक इस बार होने वाली है गाइस। उन्होंने जो है 10 मूवी के सॉन्ग सुनो गौर से दुनिया वालों के ऊपर डांस किया और अनु मलिक ने इसे म्यूज़िक दिया था गाइस। और उसके बाद ये गाना रिलीज होकर स्ट्रीट डांसर 3D में भी हमें सुनने को मिला हिंदुस्तानी के नाम से गाइस। और सुहेल की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया। इस बार सुहेल की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी, जिस तरह के फ्लिप्स उन्होंने किए लास्ट टाइम की बजाय इस बार उसके फ्लिप्स थोड़े चेंज थे गाइस, जो कि जजेस को बहुत ही अच्छे और यूनिक लगे। और गाइस जो सोहेल हेड स्पिन करता है वो बहुत ही यूनिक है और इस बार जो हेड मूव सोहेल का है वो बहुत ही खतरनाक वाला था और सोहेल डेफिनेटली टॉप 6 तक हमें दिखने वाला है। और सोहेल जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है इस बार डांस दीवाने सीजन 3 में हमें देखने को मिल रहा है गाइस। और धर्मेश ने बहुत ही अच्छे कमेंट जो है सोहेल की परफॉर्मेंस को लेके दिए और मुझे धर्मेश को लगा कि उसका जो लेवल है बहुत ऊपर है और इस बार के जो आपके मूव थे वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट थे, बहुत अलग थे और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिली सोहेल की। तुषार कालिया ने भी सोहेल की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कमेंट दिए और सोहेल बहुत ज़्यादा खुश जो हैं ये उस अपनी परफॉर्मेंस से हैं। तो तुषार कालिया ने उनको बेस्ट विशेस दी कि आने वाले एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही करके दिखाओगे। तो माधुरी दीक्षित ने भी सुहेल की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट जो दिए और ये बहुत ही अच्छी बात है गाइज। और उसके बाद अनु मलिक की बात करें तो अनु मलिक ने स्टेज पे जाके सुहेल के लिए शायरी बोली कि आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी और माधुरी दीक्षित भी बहुत ज़्यादा खुश हुई और साथ के साथ उदित नारायण भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद जो है भारती सिंह स्टेज पे आती हैं और साथ के साथ हर्ष लिम्बाची आते हैं और सुहेल को जो है 3 कप जो है गिलास जो है दूध के देते हैं और उसको कहते हैं कि इसमें से आपने पहचानना है बकरी का दूध कौन सा है। तो सुहेल तीनों गिलास को टेस्ट करता है और उसमें से पहचानने की कोशिश करता है कि बकरी का दूध कौन सा है और डेफिनेटली सुहेल पहचान लेता है कि बकरी का दूध कौन सा है और वो सच में रियलिटी पहचानता है कि बकरी का दूध कौन सा है। और सुहेल की जो पावर है ये
बकरी का दूध पीने से ही ऐसा है गाइज। उसके बाद सोहेल के लिए एक सरप्राइज़ जो है भारती और हर्ष लेके आए हैं और सोहेल की आंखें बंद की कर दी जाती हैं और जो सरप्राइज़ है वो बकरी है और उसका बच्चा है गाइज। और सोहेल बकरी और बकरी के बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये नेशनल डेब्यू पहली बार हो रहा है कि कोई बकरी जो है हमें स्क्रीन पर देखने को मिल रही है गाइज। और सोहेल की जो मुँह पर स्माइल है वो बकरी को लेके ही है गाइज। और उसके बाद जो हर्ष और भारती की थोड़ी सी कॉमेडी चलती है गाइज, और अब जो कि थोड़ा सबके चेहरे पे हंसी ले आती है गाइज। और ये बहुत ही अच्छे कपल हैं, बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं और भारती लाफ्टर क्वीन हैं, तो उनके बातों से हंसी हर एक चेहरे पे आती है, वो भले जजेस हों, ऑडियंस हों या हमारे होस्ट हों गाइज। और माधुरी दीक्षित भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। और नेक्स्ट जो है एक राघव जो स्टेज पे रिवील करते हैं कि अब हम एक गेम खेलेंगे कि कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है और ये सब काम कौन सा करता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है भारती और हर्ष से पूछे जाते हैं, तो हर बात का जवाब जो है वो भारती होता है कि घर में बर्तन कौन मांजता है, खाना कौन बनाता है। और एक क्वेश्चन था कि होटल से टॉवल्स चोरी कौन करता है, वो भी भारती ही करती है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो उन दोनों की रिवील होती हैं लोगों के सामने, जो कि लोगों को हंसने पर मजबूर करती हैं गाइज। और भारती बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छी टैलेंटेड वो हैं, और माधुरी दीक्षित भी उनकी बातों को सुन के लोटपोट होती हैं स्टेज के ऊपर और मुंह पे हाथ रख के जोर जोर से हंसना शुरू कर देती हैं गाइज। लाफ्टर क्वीन का ही मतलब है कि उसकी हर एक बात से हंसी निकले, और डेफिनेटली भारती और हर्ष की बातों से हंसी निकलती है। टाइमिंग, कॉमेडी टाइमिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है, तो उनकी बातों को जो है तुषार कालिया ने, धर्मेश ने बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय किया गाइस। और भारती और हर्ष ने इस बार शो के इस एपिसोड में आके डेफिनेटली 4 चांद लगा दिए गाइस। उसके बाद भारती और हर्ष के इस शॉर्ट इंटरव्यू के बाद भारती जो है पूछती हैं कुछ बातें अनु मलिक और उदित नारायण से उनके बारे में कि आप दोनों की दोस्ती कैसी है और आप दोनों की दोस्ती में क्या क्या जो है खिंचाव हैं, क्या उतार चढ़ाव हैं, सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, कौन किसका अकाउंट बैलेंस चेक करता, काफ़ी सारी बातें जो भारती क्वेश्चन घुमा घुमा के जो उनसे पूछते हैं, और माधुरी दीक्षित उनकी बातों को बहुत ज़्यादा जो एंजॉय करती हैं गाइज। और भारती के बारे में बताऊं तो भारती अमृतसर पंजाब की रहने वाली है और बहुत ही अच्छी कॉमेडियन है, और अब इसका नाम जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर है। और आप देख सकते हो कि भारती की बातों को सुन के माधुरी दीक्षित कितना एंजॉय कर रही है गाइज। अगर आप कोई डांस दीवाने सीजन 3 का एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पर देख सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो डांस दीवाने सीजन 3 की रेगुलर अपडेट के लिए गाइज। और अनु मलिक भी जो हैं जवाब देते हैं कि उदित नारायण के साथ उनके कैसे रिलेशंस हैं और कैसे कैसे उन्होंने जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां जो हैं चढ़ी हैं गाइस। और उदित नारायण भी आप बखूबी जवाब देते हैं उनकी बातों का, और हर्ष और राघव भी एंजॉय करते हैं उनकी बातों को। तो भारती की जो है नॉन स्टॉप कॉमेडी काफ़ी देर तक होप्स ऑफ 5-10 मिनट चलती रहती है, उसके बाद उनको जो है बैठने के लिए बोला जाता है और क्लैपिंग जो है की जाती है धर्मेश की तरफ से, तुषार कालिया की तरफ से, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है भारती की बातों को। तो दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित भी बहुत ज़्यादा खुश हैं भारती की बातों से, और जो भी क्वेश्चन भारती से पूछे गए या हर्ष से पूछे गए, अनु मलिक से पूछे गए या उदित नारायण से पूछे गए, बहुत ज़्यादा यूनिक थे और बहुत ज़्यादा अच्छे थे गाइज। उसके बाद राघव जो हैं स्टेज पर आते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाने के लिए बोलते हैं, और अगर नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है गाइस, और नाम है उसका गुंजन। 6 साल की उम्र है और असम गुवाहाटी की ये रहने वाली है गाइस। इस हर बार ये खतरनाक से खतरनाक परफॉर्मेंस देने वाली है, पॉप स्वैग इतना अच्छा करती है कि इतनी 6 साल की बच्ची को ऐसा डांस करते हुए हमने पहले कभी नहीं देखा। किस तरह के ये फ्लिप्स करती हैं, किस तरह के ये मूव्स करती हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक जो है इनका स्टाइल है गाइस। और डेफिनेटली गुंजन टॉप 6 तक जो है रेस में आगे तक जाने वाली है। और गुंजन ने इस बार जो डांस किया वो कृष्णा मूवी 1996 में मूवी रिलीज हुई थी झांझरिया सॉन्ग, सुनील शेट्टी थे मूवी में, और झांझरिया सॉन्ग के ऊपर जो है गुंजन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस देके सभी जजेस का दिल जीत लिया, और डेफिनेटली ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा गुंजन की परफॉर्मेंस को। इस बार गुंजन की परफॉर्मेंस में भी थोड़े बहुत चेंजेस हमें देखने को मिलेगा गाइस, और गुंजन की परफॉर्मेंस
बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। हर जैसे कि लास्ट ऑडिशन राउंड से, मेगा ऑडिशन से हम देख रहे हैं कि गुंजन ने ऑडिशन राउंड में ही ऑडियंस के साथ एक इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग बना ली थी कि अब हर एपिसोड में हमें वेट होता है कि गुंजन क्या करने वाली है यार, गुंजन क्या करने वाली है। और इस बार भी गुंजन ने झांझरिया सॉन्ग के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त से सुपर से ऊपर डांस मूव और एक्सप्रेशन क्वीन जो है गुंजन को हम कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छी डांसर जो है गुंजन है गाइस। और गुंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी जो है मुझे लगी, मुझे हर बार गुंजन की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है क्योंकि गुंजन मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट जो है डांस दीवानी सीजन 3 में है गाइस। और जो फर्स्ट जनरेशन है उनमें से बात करें तो गुंजन सबसे जो हाई रैंकिंग जो है आर्टिस्ट मानी जा रही है और डेफिनेटली टॉप 6 में नज़र आने वाली है गुंजन। और एक स्वैगर सा मूव करके गुंजन ने जो अपनी परफॉर्मेंस को ख़त्म किया, तो उसके बाद कमेंट जो है धर्मेश की तरफ से सबसे पहले आते हैं और धर्मेश बोलते हैं कि गुंजन आप हर बार इतना अच्छा डांस करते हो कि अगर आप चाहो तो मैं आपको घंटों देख सकता हूँ, ऐसे आप घंटों डांस करो तो मैं आपको घंटों देख सकता हूँ क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा यूनिक होती है। तो अगर बात करें तुषार कालिया की तो तुषार कालिया ने बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को ले के दिए और तुषार कालिया ने ये भी कह दिया कि ये अब तक की आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है गाइज। और गुंजन उनके कमेंट्स को पाके बहुत ज़्यादा खुश होती है गाइज। तो बात आती है माधुरी दीक्षित के ऊपर, तो माधुरी दीक्षित कहती हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी, मुझे हर बार लगती है कि मैं भी आपको घंटों बैठ के देख सकती हूँ कि आप डांस करते रहो और हम आपको देखते रहें गाइज। और गुंजन की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी थी और तीनों जजेस की तरफ से प्ले बटन जो है गुंजन की परफॉर्मेंस को मिल जाते हैं गाइज। और बात आती है हमारे स्पेशल गेस्ट की, तो आग लगा दी और साथ के साथ नॉन स्टॉप शायरी जो है अनु मलिक की तरफ से हमें सुनने को मिलती है। और अनु मलिक की बात करें तो बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और सिंगर भी काफ़ी अच्छे हैं गाइज। और उसके बाद गुंजन बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो हैं अनु मलिक से पाती हैं और साथ के साथ उदित नारायण से भी जो बहुत ही अच्छे कमेंट जो हैं गुंजन को मिलते हैं गाइज। और उदित नारायण करते कि 6 साल की, कहते हैं कि 6 साल की उम्र में तो हम कुछ भी नहीं करते थे और आप इतना अच्छा डांस करते हो। उसके बाद यही चलता है कि 6 साल की उम्र में आप क्या करते थे, 6 साल की उम्र में आप क्या करते थे, ऐसा ही कुछ पूछा जाता है सभी से राघव की तरफ से। और उसके बाद गुंजन और सुमांश की जो हैं बातें शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हो सुमांश बहुत ही क्यूट हैं गाइज। और लास्ट वीक जो कल के एपिसोड में इन्होंने डांस किया था मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के टाइटल सॉन्ग पे, और आज गुंजन के साथ फ्रेंडशिप डे यानी कि दोस्ती स्पेशल पे भी इनकी जो है नोक जोक थोड़ी थोड़ी चल रही है गाइस। और हो सकता है जब इनकी नोक जोक चलती है तो इनकी नोक जोक जो है एक बैटल पे आके ख़त्म होती है, और डेफिनेटली आज भी हमें गुंजन और सुमांश की बैटल जो है देखने को मिलेगी और दोनों ही स्टेज पे आ जाते हैं गाइज। और उसके बाद जो है स्टार्ट हो जाती है बैटल गुंजन और सुमांश की, और सुमांश सबसे पहले जानम समझा करो सॉन्ग के ऊपर, टाइटल सॉन्ग है जानम समझा करो मूवी का, और अनु मलिक ने इसे गाया था, म्यूज़िक दिया था, उसके ऊपर अपने स्वैगर मूव जो है करके दिखाते हैं जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइज। स्कूल ड्रेस में जो है जो सुमांश की परफॉर्मेंस है बहुत ही यूनिक जो लगी, और गुंजन उसे देख रही है, वेट कर रही है कि कब मेरी टर्न आएगी और कब मैं इसको जवाब दूंगी। और बैटल्स जो है उनकी शुरू हो चुकी है गाइज। और दूसरी तरफ गुंजन भी रेडी है जवाब देने के लिए, और गुंजन जो है बीवी नंबर 1 मूवी के सॉन्ग आजा ना छूले मेरी चुनरी सनम के ऊपर जो है हिप हॉप डांस करती है गाइज। वो बहुत ही अमेजिंग मूव जो है हमें देखने को मिलते हैं गाइज। जब भी गुंजन और सुमांश इकट्ठे स्टेज पे आते हैं तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाइज। डेफिनेटली गुंजन और सुमांश की परफॉर्मेंस एक जो ड्यूट होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है क्योंकि दोनों का स्टाइल सेम है और दोनों का जो एटीट्यूड भी सेम है और दोनों ही बहुत अच्छे डांसर हैं गाइस। डांस दीवाने सीजन 3 की रेस में जूनियर कैटेगरी में जो भी है जनरेशन 1 में दोनों ही बहुत बेहतरीन डांसर हैं गाइस। और जो तुषार काले उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, तो गुंजन और सुमांश स्टेज को आग लगाने वाले हैं गाइस इस बार। और डेफिनेटली अनु मलिक जो कहते हैं कि आग लगा दी, रियलिटी में आग ऐसे लगाई जाती है जब इतने बेहतरीन आर्टिस्ट इतने बेहतरीन डांसर आमने सामने हों तो डेफिनेटली आग लग जाती है। और उसके बाद अनु मलिक सबसे पहले कमेंट देते हैं कि सच
सच में आज आप दोनों ने जो स्टेज को आग लगा दी गाइस, और डेफिनेटली गुंजन और सुमांश की परफॉर्मेंस ने जो आग ही लगा दी गई थी गाइस। और उसके बाद सुमांश को और गुंजन को बहुत अच्छे जो है कमेंट मिलते हैं। अनु मलिक जो हैं सपोर्ट कर रहे थे सुमांश को, तो उदित नारायण सपोर्ट कर रहे थे गुंजन को गाइस। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो उदित नारायण की तरफ से भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो हैं इनको मिलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी इस बार भी टाई कर दी जाती है गाइस, क्योंकि दोनों में से किसी एक को भी नहीं जिता सकते। और माधुरी दीक्षित ने भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अगर हम एक तो को जिताते हैं तो दूसरा बुरा मान जाएगा। उसके बाद अनु मलिक की बेटियों को जो है डांस दीवानी सीजन 3 में दिखाया जाता है वीडियो कॉल में, और अनमोल और अदा इनका नाम है, और ये अनु मलिक की जो है बेटियां हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो अच्छा जो बोलते हैं अपने पापा को लेके कुछ बातें बोलते हैं जो अनु मलिक को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम अनु मलिक जो है इमोशनल हो जाते हैं और वो थैंक्स करते हैं डांस दीवाने सीजन 3 के क्र्यू को कि थैंक यू सो मच, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा आप करोगे। और भारती और हर्ष लिम्बाचिया भी शो को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, जब जब उनको मौका मिल रहा है वो पूरा अपना जो किरदार जो निभा रहे हैं और साथ दे रहे हैं राघव का गाइस। और राघव स्टेज पे आ चुके हैं और अगली परफॉर्मेंस के ऊपर जाना चाहते हैं, और वो बुलाते हैं अगले परफॉर्मर को। अगले परफॉर्मर बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और आप सब लोगों की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला। नाम है अजय शिल्पा गाइस, रियल हस्बैंड वाइफ हैं और कोल्हापुर के ये रहने वाले हैं। 45 और 37 इज इनकी ओल्ड है, और आप इनके ड्रेसअप से पता लगा सकते हो कि इस बार ये कुछ यूनिक ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। जिस तरह की ड्रेस अजय ने पहनी है, सेम ड्रेस जो है पहनी हुई है हर्ष ने, और जिस तरह की ड्रेस शिल्पा ने पहनी है, सेम ड्रेस पहनी हुई है भारती ने, मतलब ये हर्ष और भारती को ट्रिब्यूट देने वाले हैं अपनी परफॉर्मेंस के बल पे, और जिसे एंजॉय करते हैं हर्ष और भारती दिल खोल के गाइस। किस तरह की उनकी बातें हैं, किस तरह की उनकी नोक झोंक है, ये सारी जो है एक डांस परफॉर्मेंस में दिखाई जाती है अजय शिल्पा की तरफ से। और ये परफॉर्मेंस का ट्रिब्यूट दिया जाता है भारती और हर्ष को गाइस, जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है। एक फुल ऑन एनर्जेटिक फुल ऑन कॉमेडी एक्ट था ये अजय शिल्पा की तरफ से, और ट्रिब्यूट था भारती और हर्ष को, और दोनों ने भारती और हर्ष ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय जो है इस परफॉर्मेंस को किया। तो अजय शिल्पा भी पीछे नहीं हटे अपना फुल ऑन 100% देने में गाइस, और बहुत ही यूनिक परफॉर्मेंस जो है अजय शिल्पा की तरफ से थी। करेक्टर थे हर्ष और भारती गाइस, और दोनों के जो स्टेप्स थे डांस मूव बहुत अच्छे थे, दोनों ही बहुत बेहतरीन डांसर हैं। और शिल्पा की बात करें तो शिल्पा के फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्यूट हैं, बॉलीवुड ये स्टाइल करते हैं, फ्री स्टाइल ये करते हैं, और हर बार इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद हर्ष और भारती को आप देख सकते हो, वो भी रेडी हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन अजय शिल्पा अभी कंटिन्यू है। जैसे ही अजय शिल्पा की परफॉर्मेंस ख़त्म होगी उसके बाद भारती और हर्ष भी परफॉर्म करेंगे सेम ट्रैक पर। गाइज बात करें ट्रैक की, तो उन्होंने झिंगाट जो है धड़क मूवी के सॉन्ग के ऊपर जो है नॉन टॉप एनर्जेटिक डांस करके दिखाया, जो कि सभी का दिल जीत गया गाइस। और डेफिनेटली अजय शिल्पा भी लंबी रेस के घोड़े हैं डांस दीवानी सीजन 3 की रेस में, और बहुत ही अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस ये देते हैं गाइस। उसके बाद उन्होंने प्यारा सा जो है मूव लेके अपनी परफॉर्मेंस को ख़त्म कर दिया गाइस। तो भारती और हर्ष ने उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और एक स्टैंडिंग ओवेशन जो है उनकी तरफ से बनती थी, तो डेफिनेटली भारती और हर्ष ने एक स्टैंडिंग ओवेशन जो है दी अजय शिल्पा की परफॉर्मेंस को लेके। तो दूसरी तरफ कमेंट्स की बात करें तो धर्मेश बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं इस परफॉर्मेंस को देख के, क्योंकि फुल ऑन कॉमेडी एक्ट था गाइस। और माधुरी दीक्षित ने भी उनकी परफॉर्मेंस को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट जो है दिए गाइस, और अजय शिल्पा उनके कमेंट्स को पाके बहुत ज़्यादा खुश जो है हो जाती हैं गाइस। उसके बाद भारती की थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी कॉमेडी साथ साथ चलती रहती है, जिसे ऑडियंस और जजेस बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं गाइस। और तुषार कालिया भी उनकी परफॉर्मेंस को लेके, अजय शिल्पा की परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट देते हैं गाइस। और डेफिनेटली अजय शिल्पा बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, इनकी परफॉर्मेंस शुरू से लेके एंड तक
तक बहुत अच्छी है। लास्ट एपिसोड में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी होली स्पेशल में, जिसमें इन्होंने हुलाला सॉन्ग पे किया था। तो माधुरी दीक्षित कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है फुल ऑन एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होती है, जो मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप शो में कंटिन्यू करो। तो दूसरी तरफ तुषार काले कहते हैं कि आपकी सबसे अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यही थी गाइज। और प्ले बटन जो है तीनों जजेस की तरफ से इनकी परफॉर्मेंस को मिल जाता है, जिसे पाके अजय शिल्पा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं गाइज। और ये हस्बैंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सबको अच्छा लगा। और उदित नारायण ने भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी अप्रिशिएट करके क्लैपिंग किया। तो दूसरी तरफ भारती और राघव ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया उनकी परफॉर्मेंस को। माधुरी दीक्षित कहती हैं कि आप बहुत ही अच्छे यूनिक आर्टिस्ट हो और बहुत अच्छे परफॉर्मर हो। और अब माधुरी दीक्षित जो है हर्ष और भारती को परफॉर्म करने के लिए बोलती हैं, तो हर्ष और भारती की थोड़ी सी बातें चलती हैं, नोकझोंक, एक दूसरे की बातें वो करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं गाइज। और जो नॉन स्टॉप कॉमेडी भारती की और हर्ष की वो चलती रहती है गाइज। गाइज अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और गाइज आप डांस दीवाने सीजन 3 के एपिसोड्स देख सकते हो बूट सेलेक्ट ऐप पे। उसके बाद भारती और हर्ष की जो परफॉर्मेंस जो है सेम ट्रैक यानी कि झिंगात सॉन्ग के ऊपर चलती है, और भारती और हर्ष जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में प्यार भी झलकता है, कॉमेडी भी झलकती है और डांस भी जो है दिखता है। और भारती बहुत ही अच्छा डांस जो है हर्ष के साथ करती है, साथ के साथ थोड़ा बहुत कॉमेडी उनकी चलती रहती है गाइज। और लास्ट में एक सीन आता है जिसमें हर्ष जो है भारती को उठा लेते हैं और स्टेज से फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फेंकते नहीं, ये सिर्फ एक ट्रैक था, मजाक था, ट्रैप था उनके साथ। और उसके बाद धर्मेश बहुत ज़्यादा एंजॉय जो करते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, तो भारती भी किक मारने के लिए बोलती है और एक किक जो है मार ही देती है हर्ष को। तो माधुरी दीक्षित उनकी इस नोक झोंक को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और ऑडियंस ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय जो है उनकी परफॉर्मेंस को लेके किया गाइज। और गाइज ये टोटल परफॉर्मेंस जो थी ये दोस्ती स्पेशल की थी गाइज। अमन की परफॉर्मेंस आपने देखी चलती है क्या 9 से 12 सौ के ऊपर, पीयूष की देखी ये काली काली आंखों, पल्लवी की सजदे दिल छेड़ो ना, सुमांश मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और साहिल अंजलि पहला नशा के ऊपर परफॉर्म करा योगेश ने किया काले मेघा के ऊपर। उसके बाद प्रेशा की बात करें तो ताल से ताल मिला, पपाए अंतरा सूरज हुआ मंधम, जमुना ने चोली के पीछे सोहेल, सुनो गौर से गुंजन झांझरिया। तो उसके बाद अजय शिल्पा ने झिंगात के ऊपर किया। गाइस इस बार भी दोस्ती स्पेशल में बहुत सारी परफॉर्मेंस जो हैं मिस थी। इस बार सूचना चोरगे की परफॉर्मेंस नहीं हुई। ऑडियंस जितने भी सूचना के फ़ैन हैं वो सारे वेट कर रहे थे क्या करेगी सूचना, लेकिन इस बार सूचना की परफॉर्मेंस नहीं हुई गाइस। भाई क्यों नहीं हुई ये इसका कोई भी अभी प्रमाण नहीं है गाइस। दूसरी बात करें पानवेलकर ब्रदर्स की, तो पानवेलकर ब्रदर्स की भी परफॉर्मेंस इस बार नहीं हुई और हमें वेट था पानवेलकर ब्रदर इस बार क्या खास करने वाले हैं, लेकिन पानवेलकर ब्रदर भी इस बार हमें डांस दीवाने सीजन 3 दोस्ती स्पेशल में नहीं दिखे गाइस। और उदय भी इस बार दोस्ती स्पेशल में डांस दीवाने सीजन 3 के एपिसोड में नहीं दिखे, और उदय के फैन जो हैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे उदय की परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उदय इस बार नहीं दिखे। क्या वो बीमार हैं, क्या वो परफॉर्मेंस रेडी नहीं कर पाए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सूचना, पानवेलकर ब्रदर, उदय और साथ के साथ बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जो हैं अरुंधति गाइस, मतलब कि इस बार 4 आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिली, जिसे बहुत ज़्यादा मिस जो है ऑडियंस ने किया और ये होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस पर नहीं हुई। अरुंधति, सूचना, पानवेलकर ब्रदर और साथ के साथ उदय सिंह की परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली गाइस। अगर आप डांस दीवाने सीजन 3 का कोई एपिसोड मिस करते हो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ के साथ अगर डांस दीवाने सीजन 3 को एपिसोड देखना चाहते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप पे देख सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।